दोस्तों पूछे अपने सवाल में आप सभी का स्वागत है मेरे यानी कि अंशु कुमार के साथ। दोस्तों पूछे अपने सवाल में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो अगर आप भी खेती बाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर RP हलपुरा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों इसी के साथ आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने पहले कॉलर से जो कि पंजाब के रहने वाले हैं जसविंदर जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो जसविंदर जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। सत श्री अकाल सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी, हाँ जी मैडम। सर आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछे अपना सवाल। मैडम मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने मोगा डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये है खेत जी, मिट्टी का वो टेस्ट करवाना है जी, तो वो कहाँ से होगा और कैसे होगा जी? देखिए मिट्टी जांच के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कृषि विभाग द्वारा स्थापित की गई हैं। मोगा डिस्ट्रिक्ट में आप शहर में जाइए और जिला स्तर पर जिला कृषि अधिकारी वहाँ बैठते हैं, डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं एग्रीकल्चर के, और वो आपके निशुल्क मिट्टी जांच करेंगे जी। सर कोई और सवाल? और है कि मतलब ऐसे मिट्टी जब टेस्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम सब्जी का थोड़ा खेत करना चाहते हैं खेती जी। नहीं कोई हाँ, चीज़ करिए आप जो भी बोना चाहें बोएं। मिट्टी टेस्ट कराने से ऐसा आया कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के तत्व कितना है जमीन में, जीवांश खाद कितना है, गोबर की सड़ी कंपोस्ट खाद की मात्रा कितनी है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, उसी के अनुसार आप उर्वरक उसमें डालें। तो ये कितने नीचे से खुदाई करके लेनी पड़ेगी? देखिए जमीन के लेयर से ऊपरी सतह से 6 इंच तक की मिट्टी ही उपजाऊ होती है, तो आप खुरपी से बिल्कुल फ्लैट काटें उसे, पहले एक बार थोड़ा सा साइड से हटाएं और फिर फ्लैट काटें। फ्लैट का मतलब यह है कि ऊपर की मिट्टी भी आए, 2 इंच नीचे की भी आए, 4 इंच नीचे की भी आए और 6 इंच नीचे तक मिट्टी आए जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए। सर आजकल जो है वो मृदा परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है कि ज़रूर करवाना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए मृदा परीक्षण से ये फ़ायदा है कि हमको पता चल जाता है हमारे खेत में किस तत्व की कमी है जी। मान लीजिए हमने मृदा परीक्षण नहीं करवाया जी और हमने मूंग उड़द और आजकल जो फसल बोई जाती हैं उनमें नाइट्रोजन भी डाल दी, जबकि मेरी पिछली फसल में मान लीजिए आलू है तो नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा आलू में बच जाती है, शोषण नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है फसल उतना, तो नाइट्रोजन यदि काफ़ी है और मैंने मूंग मसूर में फिर नाइट्रोजन डाल दी, यूरिया डाल दिया तो फसल बढ़ जाएगी और उसमें फलियाँ नहीं आएंगी, फल फूल नहीं आएंगे, वो बढ़ती रहेगी। तब किसान शिकायत करेगा साहब ये तो मैंने इसमें अच्छी खासी वैरायटी बोई थी, ऐसा लागत लगाई थी, पानी लगाया था, सब कुछ किया लेकिन फलत नहीं आई जी। तो यूरिया का अंधाधुंध दोहन किसान भाई करते हैं, बिना जांच कराए करते हैं और यूरिया को ही सब कुछ मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फास्फोरस जड़ों को मजबूत करती है, पोटास दाने को मजबूत करती है और जिंक सल्फेट की कमी से बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, पैदावार में कमी होती है। तो अब 3 के बजाय 4 तत्व ये परम आवश्यक हो गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट जी। वैसे इसके अलावा माइनर एलिमेंट भी हैं, सूक्ष्म तत्व और भी हैं, 16 तत्व हैं, परंतु ये 4 तत्व परम आवश्यक हो गए और इनका संतुलन, और हमारे खेतों में जीवांश खाद की बहुत कमी हो गई है जी। जीवांश खाद की कमी होने से मिट्टी ऊसर की ओर जा रही है और किसान भाई ये शिकायत करते हैं कि जी खेत ऊसर जैसा होता जा रहा है जी। तो उसमें कंपोस्ट खाद की महती आवश्यकता है, हरी खाद की महती आवश्यकता है, जो उस पर किसान भाई ध्यान दें जी। यानी कि सर यही वही वाली बात होगी कि जो बीमारी है आपका हाँ उसी के लिए दवा खाएं और एक्स्ट्रा दवा ना खा पाए, इसीलिए मृदा परीक्षण करवाते हैं। इसलिए तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं अजीत जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो अजीत जी बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी मैडम। सर आपका सवाल आया था हाल ही में। जी जी मैडम। सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी एक्चुअली हम लोगों के यहाँ पे ट्राइपॉड में अवेलेबल नहीं होता है मैडम कहीं जी, तो कहाँ से मिल सकता है? देखिए ट्राइकोडर्मा एक फफूंदनाशक है और हार्मोन भी है जी, तो ये प्राय कृषि विभाग द्वारा और उद्यान विभाग द्वारा
सभी जनपदों में इसके विक्रय केंद्र हैं, तो आप उद्यान विभाग के जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें, जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें, दोनों संस्थाओं में प्रायः ट्राइकोडर्मा आता है और उनसे संपर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक्चुअली हम लोगों की के जो अमरूद का पेड़ है ना उसके ऊपर व्हाइट कलर का जो ये आ रहा है, देखिए ट्राइकोडर्मा से भी दूर हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी, और आपको ट्राइकोडर्मा नहीं मिलता है तो गौमूत्र से भी आपकी समस्या हल हो सकती है। आपको दो तीन दिन रखा हुआ, थोड़ा रखे हुए गौमूत्र में ये है कि उसमें एक साइंटिफिक होती है, प्रोग्रेस होती है, क्रिया होती है, तो वो खट्टा तेजाब जैसा हो जाता है और वो जो है इस तरह की बीमारियों को नष्ट कर देता है। तो आप गौमूत्र का भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको नीम ऑयल भी कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्राइकोडर्मा ही हो, इसके कई विकल्प हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जो कि हमारे रेगुलर कॉलर में से एक है, पंकज पाल जी, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल और बात करवाते हैं इनकी अपने एक्सपर्ट से। हेलो। हेलो पंकज जी, बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी सर, आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए अपना सवाल। चेब्रो नस्ल चूजे हैं, इनको लोग कहाँ मिलेंगे? जी तो चूजे चूजे इनको यूपी में जो है वो कहाँ पे मिलेंगे? हाँ जी, लखनऊ में ये गोमती के किनारे हमारा एक कृषि भवन है जी, आपको वहाँ मिल सकते हैं, और पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी कुक्कुट पालन का कार्यक्रम है, वहाँ के द्वारा भी आप खरीद सकते हैं। पंतनगर यद्यपि उत्तराखंड में चला गया है, सर वहाँ से लाने की तो होगी नहीं, बाकी कैसे आने में सकती? नहीं तो आप लखनऊ से ले लीजिए ना जी, लखनऊ आपको नजदीक है। जी सर, इसके अलावा जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो दाने बनाती हैं, वो भी पोल्ट्री फार्मिंग का काम करती है, तो वहां से भी आप चूजे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। जी तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी। मैं यहाँ पे गुलाब की खेती करना चाहता हूँ जी, तो कौन से गुलाब की मेरी अच्छा रहेगा? देखिए गुलाब की खेती के लिए आप प्रेसिडेंट एक वैरायटी है, राधा कृष्णन एक वैरायटी है, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो विजय जी, बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ बोलिए। सर आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। मैं यहाँ पे गुलाब की खेती करना चाहता हूँ जी, तो कौन से गुलाब की मेरी अच्छा रहेगा? जी देखिए गुलाब की खेती के लिए आप प्रेसिडेंट एक वैरायटी है, राधा कृष्णन एक वैरायटी है, गेंडी फ्लोरा हाँ एक वैरायटी है, और फ्लोरी वंडा। फ्लोरी वंडा, हाँ फ्लोरी वंडा, ये चार पांच चार वैरायटी बहुत ही उत्तम वैरायटी हैं, अधिक पैदावार देने वाली हैं, सुंदर फूल है इनका। और गुलाब लगाने से पहले आप उनके गड्ढे बनाएं और गड्ढों में थोड़ा कंपोस्ट खाद 2 किलो प्रति गड्ढा के हिसाब से, और 4-10G एक दवा होती है, सिस्टेमिक पॉइजन है, उसे भी डाल दें ताकि उसमें नीचे दीमक या सफ़ेद गिंडारों से न काट सके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर गुलाब जो है वो अलग अलग कलर्स में आते हैं जी, तो कौन सा कलर वाले की अगर मतलब फूल की चुनाव करें? कॉमर्शियल जो बोने वाले होते हैं प्राय जो पिंक कलर चूज करते हैं, पिंक और रेड जी, तो ये राधा कृष्ण जो वैरायटी है ये रेड वैरायटी है और प्रेसिडेंट भी रेड है, और दोनों ग्लोरी वंडा और ये दूसरी है ये थोड़ा पिंक कलर लिए हुए रेड है जी, तो इनकी ज़्यादा बाजार में डिमांड रहती है, यही प्रजातियाँ बोनी चाहिए, लाल और गुलाबी। लाल और जी। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मनेंद्र जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो मनेंद्र जी, बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ, जी बताइए। जी सर आपका सवाल आया था,
सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मतलब वाराणसी में कोई वेजिटेबल का सेंटर है क्या, मतलब जहाँ सीख सकते हैं या फिर जहाँ से बीज मिल सकता है? जी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप वेजिटेबल फार्मिंग के लिए? हाँ जी। देखिए बनारस में आप कृषि विज्ञान केंद्र जिला स्तर पर होता है ये, तो बनारस सिटी के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है और जिला कृषि अधिकारी का भी ऑफिस होता है, जिला उद्यान अधिकारी का भी होता है। आप तीनों संस्थानों में से कहीं भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र की विशेषता ये है कि भारत सरकार ने साइंटिस्ट इसमें नियुक्त किए हैं और वो बड़े ही एक्सपर्ट और विशेषज्ञ होते हैं। आपको हर प्रकार की सब्जी, बागवानी, फूलों की खेती, दवाओं की खेती, ये सभी विषय में आपको कृषि वैज्ञानिक जानकारी देंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। सर जैसे कि केवीके की अगर बात करें हम, कृषि विज्ञान केंद्र, तो देश के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले पर है जी, हर जिले सेंटर पे। हमारा हर जिले पर। और किसान कैसे जुड़ सकते हैं केवीके, जिनको पता नहीं है? देखिए वो कृषि विज्ञान केंद्र वाले अपना प्रचार प्रसार करते हैं जी, किसानों के खेत पर जाते हैं जी, उनके लिए प्रति वैज्ञानिक 50-50 डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाते हैं जी, और फील्ड का ही जॉब उनका होता है जी, और वो पूरा प्रचार प्रसार अपना करते हैं जी, और जो भी उनका मीडिया है, वैसे टेलीविजन पर भी आते हैं कभी कभी और उस पर भी आते हैं जी, अखबारों में भी विज्ञापन निकालते हैं, और जागरूक किसान उनका पता लगा लेते हैं जी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही उनकी संस्था होती है जी। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, हेलो संतोष जी, बात कर रहे हैं? हाँ मैडम, नमस्कार। सर मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते जी। सर आपका सवाल आया था? हाँ मैडम आया था। सर क्या जानना चाहते हैं आप? कि मैं पपीते की खेती करना चाहता हूँ जी, और मेरा जो खेत है वो डैम के बैक वाटर को लग के है जी, उसके चलते मुझे बताने वालों ने बताया था कि ह्यूमिडिटी से तुम्हारी पपीते की खेती वहाँ अच्छी हो नहीं सकती जी। सर ये पपीते के बारे में जानना चाहते हैं कि इनके खेत में जो है वो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो उसे पपीते की पैदावार पे क्या असर पड़ेगा? देखिए समुद्र तट पर थोड़ी आर्द्रता ज्यादा होने के कारण पैदावार पर फसल फर्क तो पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है कि पपीता वहाँ ना हो, पपीता वहाँ हो जाएगा। पंत, नन्ना और ड्वार्फ दो अच्छी प्रजाति है पपीते की, और जून के महीने में आपको गड्ढे बनाने होंगे, पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर रखनी होगी। 1 फुट गहरा गड्ढा खोदें, जमीन में 1 फुट गहरा और 0.5 फुट व्यास का गड्ढा खोदें, और गड्ढे में 2 किलो कंपोस्ट खाद और पहले ही डाल दें 50 ग्राम फोरेट टेन जी दवा से क्या होगा कि आपके जो जमीन के अंदर दीमक है या गिंडार है वो मर जाएगी और पपीता आपका सफल हो जाएगा। प्रायः क्या होता है किसान भाई, उसमें अंदर दवा नहीं डालते, दवा नहीं डालते हैं तो उसमें क्या दीमक और सफ़ेद गिंडार वाइट ग्रब्स होती है वो उसे काट देती है, और उसे काटने के बाद पपीते का पौधा सूख जाता है, फिर उसे लिए फिरते हैं साहब ये तो सूख गया अब क्या करें, सूखने के बाद कोई विकल्प नहीं रह जाता है। तो दवा बीमारी से पहले ही दवा प्रिकॉशनली ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। बराबर जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। आपका भी धन्यवाद मैडम। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर से और देंगे उनके सवालों के जवाब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जम्मू के लिए आम कौन सी वैरायटी अच्छी है? आम और पपीता। हाँ देखिए जम्मू के लिए आप आम्रपाली वैरायटी लगा सकते हैं और दशहरी, दोनों ही अच्छी हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से विकास जी से जो कि जम्मू के रहने वाले हैं, तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो विकास जी, बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी हाँ जी। सर आपका सवाल आया था?
सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। मैम हमारे जम्मू में पपीता कौन सी वैरायटी अच्छी है, हमारे जम्मू और आम, जम्मू के लिए आम कौन सी वैरायटी अच्छी है? साथ में पपीता, आम और पपीता। हाँ देखिए, जम्मू के लिए आप आम्रपाली वैरायटी लगा सकते हैं और दशहरी, हाँ जी हाँ जी, दोनों ही अच्छी हैं। हाँ जी, तो सर आम पपीता, पपीता के लिए आप पंत नंदा, हाँ जी, सर्वोत्तम वैरायटी है, और ड्वार्फ, ठीक है, दोनों में से कोई सी बोल सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक सवाल आम का है, तो आम जो लगाएं तो जून के महीने में गड्ढे पहले बना दें उसके लिए, हाँ जी, और उसमें कंपोस्ट खाद भर दें, और 50 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से उसमें फोरेटेंजी दवा डाल दें, सिस्टेमिक पॉइजन है, ताकि आपकी गिंडार और दीमक से उसकी पौधा बचा रहे, क्योंकि दीमक या गिंडार उसको फसल को जड़ों को काट देती है और पौधा सूख जाता है। तो ये सबसे पहली सावधानी है कि पौध लगाने से पहले गड्ढे तैयार करना, जून के महीने में गड्ढे तैयार कर लें और जुलाई में जो आम लगा दें। ठीक है सर। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। सर अगर हम पपीते की खेती की बात करें, तो पपीते की खेती अगर एक एकड़ जमीन है किसी के पास, तो पपीते की खेती पूरे खेत में लगाना ज़्यादा फायदेमंद होगा या फिर बीच में कोई और फसल लेना ज़्यादा फायदेमंद? नहीं मैडम, ऐसा होता है कि पपीता जो 2-3 वर्ष में कंप्लीट होता है, 2 वर्ष में कम से कम, तो उसमें किसान भाई ऐसा करते हैं कि थोड़ी नीचे छोटी छोटी जो कम बढ़ने वाली फसलें हैं ले लें, सब्जियाँ, हाँ सब्जियाँ, जैसे पालक बो दिए या धनिया बो दिया है, तो ये कटिंग होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। जी तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जो कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अरविंद जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो अरविंद जी, बात कर रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी सर, आपका सवाल आया था। ये मेरा सवाल था कि मुझे मूंग का खेती करना है 1 बीघा, तो जी सर से मुझे जानकारी चाहिए कौन सा प्रजाति डालूं। मैं यूपी चंदौली से बात कर रहा हूँ। जी देखिए, मूंग की खेती के लिए अब बोने का समय सर्वोत्तम है जी, और मूंग की जो प्रजाति है, एक तो मालवीय ज्योति है, मालवीय ज्योति अच्छी प्रजाति है, और हमारे लिए अच्छा रहेगा ईस्ट, मतलब नहीं यूपी के लिए, हाँ वेस्ट यूपी के लिए सुन लें, वैभव भी अच्छी प्रजाति है, और सबसे अच्छी रहेगी आपको पूसा विशाल, ये पूसा संस्थान की IRI की पूसा विशाल जो अच्छी प्रजाति है, इसकी पैदावार 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर तक है जी। उर्वरक पहली बात तो हम ये सलाह देंगे कि आप मृदा परीक्षण कराने के बाद डालें, परंतु ये बताएं कि पिछली फसल क्या थी उसमें? सर उसमें मटर और मसूर है। हाँ मटर मसूर में, मटर मसूर में आपने ज़्यादा खाद नहीं डाली होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ज़्यादा। हाँ तो उसमें ऐसा करें, मूंग के लिए आप कंपोस्ट खाद डाल दें। अच्छा अच्छा। और उसका फॉर्मूला ये है कि 2 किलो प्रति वर्ग मीटर, यानी कि अभी प्रति हेक्टर में आप लेंगे तो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं 1 हेक्टर में जी, जी। और 10,000 वर्ग मीटर के लिए आपको 20,000 किलो, 20,000 किलो यानी कि 20 टन, 200 क्विंटल सड़ी कंपोस्ट की खाद डाल दें, और किसी खाद की उसमें आवश्यकता नहीं है जी। और सिंचाई उचाई? देखिए सिंचाई वैसे तो गर्मी के ऊपर डिपेंड है, आपकी 3-4 सिंचाई मूंग में हो जाती हैं। फर्स्ट कब से करें? देखिए फर्स्ट सिंचाई आप जो है 20-21 दिन के बाद कर दें। जी जी जी। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। आपको भी सर, को भी धन्यवाद। सर आपने बहुत उपयुक्त जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को, आप हमारे स्टूडियो में आए, ये तमाम जानकारी आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाते जाते कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? हाँ आपको भी धन्यवाद मैडम। देखिए हम 2-3 पंक्ति हम किसान भाइयों के लिए कहेंगे जी, कि भारत के वीर किसान, भारत के वीर किसान, लगाओ ध्यान हमारी वाणी पर, पैदावार बढ़ाने की पूर्ण कहानी पर, 4 बिंदु का ध्यान रखोगे तो पैदावार बढ़ जाएगी, मृदा स्वास्थ्य का ध्यान जरूरी, कंपोस्ट से थम जाएगी, हो आप कृषि किसान, आन और मान, नजर विज्ञानी कर, पैदावार बढ़ाने की पूर्ण कहानी पर, 1 बिंदु उन्नत प्रजाति बीज प्रमाणित ही बोना, 1 बिंदु
उन्नत प्रजाति बीज प्रमाणित ही बोना, किसी सरकारी संस्थान से अथवा पूसा से लेना। है बीज फसल की जान, है बीज फसल की जान, दे हो तह ध्यान नहीं मनमानी कर, पैदावार बढ़ाने की पूर्ण कहानी पर। द्वितीय बिंदु संतुलित उर्वरक मृदा परीक्षण करवाना, संस्तुतियां जो भी मिलती हों तदनुसार ही अपनाना। रखो तापमान का ध्यान, रखो तापमान का ध्यान, होए कल्याण खेत पानी देकर, पैदावार बढ़ाने की पूर्ण कहानी पर। तृतीय बिंदु अनमोल समय है जो कभी लौट कर नहीं आता। चौथा बिंदु फसल सुरक्षा, बुद्धिमान कृषक है अपनाता। देव फसल सुरक्षा ध्यान, स्प्रे से कल्याण हो शेष प्रभु इच्छा पर, पैदावार बढ़ाने की पूर्ण कहानी पर। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि। जी सर, बहुत खूब कही है आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच मैडम। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आप भी जानना चाहते हैं खेती बाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।